बोलो यीशु मसीह की जय। बोल यीशु मसीह की जय। बोल बोल यीशु मसीह की जय। बोल यीशु मसीह की। आए लेट्स वर्शिप द लॉर्ड। आए हम खुदावंद की इबादत करें। बोल यीशु मसीह की जय। बोल यीशु मसीह की जय। बोल यीशु मसीह की जय। ये मैं देख रहा हूँ सब इकट्ठा हो रहे हैं, डैनियल, विनीता, मंजीत और सारे जो खुदावंद के बच्चे हैं, सांची, जहां जहां से भी आप इकट्ठा हो रहे हैं, जेकब, सैमुअल, अमन मसीह, जहां जहां से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, चैकी, एएक्सएन, प्लीज अपने अपने पेजेस पे इस लाइव को आप साथ साथ में शेयर करते रहें, ताकि हम खुदा की खिदमत कर, जैसे हम इबादत कर रहे हैं, इस खिदमत को बहुत सारे लोग इससे ब्लेस हो सकें। और आज हम विश्वास के ऊपर बात करने वाले हैं। हम सब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम सब प्रभु पर विश्वास करते हैं, लेकिन वो विश्वास जो है कभी कभी परखा भी जाता है, उस विश्वास की परीक्षा होती है। हालेलुया, आमेन। कि विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो। होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा। होगी परीक्षा, जी हाँ परीक्षा होगी, आमेन। मेरी बहन, आपकी परीक्षा हो रही है, मेरे भाई, परीक्षा हो रही है, लेकिन किसी एग्जामिनेशन के बिना, टेस्टिंग के बिना अगले लेवल पे नहीं जा सकते। अगले लेवल पे जाने के लिए उस एक छोटे डेविल को हराना पड़ेगा, और ऊपर जाने के लिए हमें उस परीक्षा को पास करना पड़ेगा। हालेलुया। तमिलनाडु से आप देख रहे हैं, नवीन, ग्लैडविन, रिफत। होगी परीक्षा, अजमाइश होगी, टेस्टिंग होगी। हालेलुया। होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा। आनंद समझो, आनंद समझो। जी हाँ, आनंद समझे मुकेश। हालेलुया। बट्टी, शकील, आनंद समझे कि जब परीक्षा होती है, हमारा धीरज जब चेक किया जाता है, उसको जब उसकी आजमाइश होती है, तो हमें क्या करना है, हमें आनंद समझना है, हमें उसमें खुदावंद में खुश होना है, हमें रिजॉइस करना है कि वाह, खुदा हमें आगे ले जाने वाला है। आमेन। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो। सीमा के बाहर परीक्षा न होगी, यीशु की मर्जी से हर बात होगी। सीमा के बाहर परीक्षा न होगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए वचन कितना कंफर्टिंग है, परमेश्वर का वचन कितना आराम देने वाला है। कहता है कि परीक्षा होगी,
लेकिन सीमा के बाहर नहीं होगी। खुदा कहता है कि जितनी तुम्हारी ताकत है मैं उतनी ही परीक्षा लूंगा। तो बोल यीशु मसीह की जय। आमीन। सीमा के बाहर परीक्षा न होगी, यीशु की मर्जी से हर बात होगी। सीमा के बाहर परीक्षा न होगी, यीशु की मर्जी से हर बात होगी। जितना वचन में समाएगा, जितना वचन में समाएगा, आनंद समझो, आनंद समझो, विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। हालेलुया। आनंद समझो, 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 आनंद समझो। हालेलुया। आमीन। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। मिलके बोले जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय जय, 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 यीशु तेरी जय जय कार, जय जय कार, जय जय कार, जय जय कार, यीशु तेरी जय जय। जी हाँ, परीक्षा के बाद प्रभु की विजय होती है। जय जय कार, जय जय कार, जय जय कार, यीशु तेरी जय जय कार, बोल यीशु मसीह की जय। हालेलुया। अनुग्रहकारी विधाता है, अनुग्रहकारी विधाता है, अनुग्रहकारी विधाता है, अनुग्रहकारी विधाता है, भला वो सबका चाहता है, वो भला चाहता है, भला चाहता है, आपका और मेरा भला चाहता है, अनुग्रहकारी विधाता है। आमीन। भला वो सबका चाहता है, वही करता है उद्धार, वही करता है उद्धार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जय, जय 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 जय, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। मिलके बोले यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय कार, यीशु तेरी जय जय कार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। हालेलुया, 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 जय जय जय, हालेलुया, 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 जय जय जय, हालेलुया, जय जय जय, हालेलुया, जय जय जय, हालेलुया, जय जय जय, जय जय जय, जय जय जय, जय जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जय, हालेलुया बोलो, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। उठाता है, गिरते हुओं को उठाता
जाता है, गिरते हुओं को उठाता है, बोझ वो सबका हटाता है, गिरते हुओं को उठाता है, बोझ वो सबका हटाता है, वही करता है उद्धार, वही करता है उद्धार। जय 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 जयकार, जय जयकार, जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय 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 यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय 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 यीशु तेरी जय जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार। तो बोल यीशु मसीह की जय। खुदावंद हम आपका शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं खुदावंद की आज आप हमारे बीच में मौजूद हैं, आपने इस इबादत को ग्रहण किया, आपने इस इबादत में हमारे साथ, इस वर्शिप में खुदावंद हमारे साथ सिंहासन पर बैठ के खुदावंद इस वर्शिप को सुना। और आज जितने लोगों के साथ आप बात कर रहे हैं और जिन जिन से आप बात करने जा रहे हैं खुदावंद हम शुक्र करते हैं कि आज सब लोग खुदावंद यहाँ से विजय लेके जाएंगे, यहाँ से जय लेके जाएंगे। आए खुदावंद आपने उनको विक्ट्री के लिए चुन लिया है, नियुक्त किया है। आपका वचन कहता है कि मैंने नियुक्त कर दिया है कि तुम फल लाओगे, दैट यू विल बी फ्रूटफुल। लॉर्ड आपने इस बात का प्रॉमिस किया, आपने वचन दिया है कि मेरा कलाम जब आसमान से ज़मीन पर आता है तो वो उस फल को भी लेके आएगा, जो मेरी ज़बान से निकलता है वो उस फल को लाएगा जिस फल के लिए वो भेजा गया है, और उस फ्रूट को वो पैदा करेगा। खुदा हम जानते हैं कि यह कवनेंट हमारा आपके साथ है, यह वायदा हमारा आपके साथ है, ये किसी इंसान के साथ नहीं, किसी मनुष्य के साथ नहीं। और आज खुदावंद आज आप अपने लोगों से बात करने जा रहे हैं, आज आप अपने लोगों को अपने कलाम से प्यारे परमेश्वर बरकत देंगे, उनके दिलों में आज उस कलाम के बीज को डालेंगे। आज खुदावंद आप लोगों की ज़िंदगी को बदल देंगे, खुदावंद आज आप लोगों के दुखों को आनंद में बदल देंगे, आज खुदावंद आप लोगों के दर्द को खुदावंद शांति में बदल देंगे। हे परमेश्वर आज आप लोगों की ज़िंदगियों के अंदर अंधकार हटा के उसमें रोशनी लाना चाहते हैं। हे परमेश्वर आप अपने लोगों को आशीष देना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को बरकत देना चाहते हैं। इंसान वो जो पापी लोग हैं वो भी अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी चीज़ देते हैं, और आप तो आसमानी पिता हैं, आप हमारे आसमानी खुदा हैं, आप और कितनी अच्छी बरकतें और कितनी बड़ी और प्यारी और सुंदर और पवित्र चीज़ें आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं, आप उनकी ज़िंदगियां बदल देना चाहते हैं, आप उनके रास्ते सीधे कर देना चाहते हैं, आप उनके उबड़ खुबड़ रास्तों को खुदावन सरल और समतल कर देना चाहते हैं, आप खुदा उनके उनको वो छुपे हुए खजाने देना चाहते हैं जिनकी नज़र दुनिया के लोगों पर अभी नहीं पड़ी है, जिनकी नज़र में अभी वो दुनिया की नज़र में वो खजाने नहीं आए हैं। आज वही खजाने खुदा आपने अपने बच्चों के लिए छुपा के बचा के वो पोशीदा खजाने रखे हैं ताकि आप अपने बच्चों को बरकत दे सकें। आए खुदावंद दुनिया में चाहे कितनी भी डीमोनेटाइजेशन हो जाए, पैसा डीवैल्यू हो जाए, मार्केट्स गिर जाएं, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन हमारा परमेश्वर जो कल था वो आज है, वो हमेशा रहने वाला है। हमारा प्रभु जैसे कल वफादार था वो आज वफादार है और वो हमेशा वफादार रहने वाला है। हे परमेश्वर आपके बच्चे जो इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं खुदावंद आप उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा आज काम करने जा रहे हैं, आज आप उनके विश्वास को खुदावंद बढ़ाकर उनको एक नए लेवल पे लाना चाह रहे हैं। आप कह रहे मेरी बेटी मेरे बेटे तू इस आवाज़ को सुन, आप कहते मेरी बेटी मेरे बेटे तू आज इबादत में जैसे बैठी और बैठा है, मैं तेरे जीवन में एक नया काम करने जा रहा हूँ, मैं तेरी ज़िंदगी में एक नया काम करने जा रहा हूँ। तेरे इंतज़ार का वक्त ख़त्म हो गया, तेरे दुखी होने का वक्त अब समाप्त हो गया, तेरा परेशान होने का वक्त चला गया, क्योंकि जब मेरा कलाम आता है,
जब मेरा वचन आता है, जहां पर मेरा आत्मा आता है वहां जिंदगी आती है, क्योंकि मैंने अपने आत्मा से आदम को जीवित किया, उसको इंसान बनाया, उस मिट्टी के अंदर मैंने जान डाली और मेरे आत्मा ने 6 दिन में इस सारी दुनिया को कायम किया। और खुदावंद कहता है कि आज वही आत्मा मौजूद है ताकि मैं तेरी जिंदगी में काम कर सकूं। खुदावंद कहता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में काम करना चाहता हूं। आए खुदावंद, आज एक एक भाई और बहन जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं खुदावंद, हम अंधविश्वास में नहीं बल्कि विश्वास में चलना चाहते हैं। आए खुदावंद, हम जानते हैं कि आज खुदा का रूह हमारे बदन में कुछ करने वाला है, आज खुदा का रूह हमारी जिंदगी में कुछ करने वाला है, आज खुदा का रूह हमारे जीवन में कुछ करने वाला है, आज खुदावंद का रूह हमारे बच्चों की जिंदगी में कुछ करने वाला है, आज खुदावंद का रूह हमारे काम में कुछ करने वाला है। आए खुदावंद, हम अपने हाथों को आपकी तरफ उठाते हैं, हम अपने बदन को एक जिंदा बलिदान आपको नजर करते हैं खुदावंद, कि आप इस कुर्बानी को ग्रहण करें, आप इस कुर्बानी को खुदावंद रिसीव करें खुदावंद, कि हम अपनी जिंदगियों को, अपनी बॉडीज को एक लिविंग सैक्रिफाइस की तरह, एक जिंदा बलिदान खुदावंद, एक जिंदा कुर्बानी हम आपको नजर करते हैं खुदावंद, आप इसे स्वीकार करें खुदावंद, लॉर्ड एक्सेप्टेड। और एक एक भाई बहन जो आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं खुदावंद, उनकी जिंदगी में आप बड़ा काम करें, महिमा हो खुदावंद के नाम को, आज सारा जलाल मिले खुदावंद के नाम को, सारी कुदरत उसके नाम को, सारा जलाल, सारा आदर, सारी महिमा उसकी है, सारी ताकत और सारी बरकत उसकी है। हे परमेश्वर, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। आए खुदावंद, हम जानते हैं कि तू आज अपने बच्चों को खाली नहीं छोड़ने वाला है, तू अपने बच्चों को अनाथ नहीं छोड़ने वाला है, तू अपने बच्चों को दुखी नहीं छोड़ेगा खुदावंद। जब तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, अगर कोई राजा के दरबार में जाता है, कोई राजा के घर में जाता है, कोई उसके पैलेस, उसके कोर्ट्स में जाता है, अगर वो धन्यवादी करता हुआ उसके कोर्ट्स में दाखिल होता है, तो राजा वहां से बरकतें रिलीज करता है, कहता है कि जाओ, ये मोती मैंने तुम्हें दी, ये खजाने मेरे यहां से लेके जाओ, क्योंकि तुम राजा के घर आए हो। हे परमेश्वर, आज सब लोग जहां पर भी हैं, चाहे कोई गाड़ी में बैठा है, चाहे कोई घर में बैठा है, चाहे कोई रास्ते में बस में है, चाहे हो सकता है कोई इंडिया में, कोई यूएसए में, कोई यूरोप में है, चाहे कोई लंदन में है, चाहे कोई दुनिया के किसी कोने में है, चाहे कोई दिल्ली में है, यूएई में है, खुदावंद आपका रूह सारी दुनिया में जुम्बिश करता है, आपका रूह सारी दुनिया के ऊपर घूमता है खुदावंद। आपका वचन कहता है, जेनेसिस में लिखा है कि सारी दुनिया को, सारी धरती के ऊपर आपका रूह प्यारे परमेश्वर घूमता है, और उसने जब कहा कि रोशनी हो जा, तो रोशनी हो गई। और हम जानते हैं आज बहुत सारे घरों में रोशनी होने वाली है, ओ खुदावंद, आज बहुत सारी जिंदगियों में रोशनी होने वाली है। मैं जैसे बात कर रहा हूं, खुदावंद कह रहा है कि मेरी बेटी, मैं तेरे बदन में शिफा दे रहा हूं। खुदावंद कहता है कि तुम्हारे सर से लेकर तुम्हारी आंखों, तुम्हारे कानों और तुम्हारे जबान और तुम्हारे गले की बीमारियों को मैं ठीक कर रहा हूं। खुदावंद कहता है कि मैं शिफा देने वाला खुदा हूं। खुदावंद कहता है कि मैं तेरे बदन को जान देने वाला खुदा हूं। मैं तेरा चरवाहा हूं, तुझे किसी बात की घटी या कमी नहीं होगी। खुदावंद कहता है कि मैं तेरे घर में कुछ करने वाला हूँ, मैं तेरे परिवार में कुछ करने वाला हूँ। हे परमेश्वर, आज मैं मांगता हूँ खुदावंद कि सबसे पहले तेरे लोग तेरे करीब आए खुदावंद, ओ हालेलुया, तेरे पास आए, तेरे साथ एक रिश्ता कायम करें। खुदावंद कहता है कि मेरे पास आओ, मेरी बादशाही को तलाश करो, मेरी रास्तबाजी को तलाश करो, मेरे राज्य की तलाश करो। सीक ये माई किंगडम and my righteousness and all things will be added unto you. The Lord says, all things, everything will be added unto you. God says, I will not withhold any good thing from my children. मैं अपने बच्चों से कोई भी अच्छी चीज दूर नहीं रखूंगा। खुदावंद तो अपने बच्चों को बरकत देने वाला है, ओ हालेलुया। खुदावंद कहता है, जो तुम नए काम शुरू करने वाले हो, जो तुम चीजें शुरू करने वाले, जो तुम्हारे दिल के मंसूबे हैं, जो प्लान्स हैं, खुदावंद कहता है कि मैं जानता हूं और मैं तुमसे बेहतर जानता हूं कि तुम्हारे प्लान्स को मुझे कैसे प्रॉस्पर करना है, तुम्हारे प्लान्स को मुझे कैसे छूना है। खुदावंद कहता है कि प्रमोशन मेरी तरफ से आने वाली है, बरकत मेरी तरफ से आएगी, ब्लेसिंग मेरी तरफ से आएगी। खुदावंद कहता है कि आई विल ब्लेस यू, माई ब्लेसिंग विल ओवरफ्लो इन टू योर लाइफ। खुदावंद कहता है कि मेरी बरकतें तुम्हारे घर में, तुम्हारा प्याला लबरेज होगा, तुम्हारा प्याला उमड़ेगा। खुदावंद कहता है कि मैं छोटा मोटी बरकत देने वाला नहीं हूं। अब तुम जितना बड़ा ईमान लाओगे, उतनी बड़ी बरकत लेके जाओगे, जितना बड़ा विश्वास लाओगे, उतनी बड़ी बरकत लेके जाओगे। खुदावंद कहता है कि एनोश तुम मुझसे बरकत लेके जाएगा, खुदावंद कहता है सैमसन तुम मेरे से बरकत लेके जाएगा, मोनिका तुम मेरे से बरकत लेके जाएगी। खुदावंद कह रहा है कि एक एक बेटे को मैं बरकत देने वाला हूं और तुम्हारी जिंदगी में बड़ा काम करने वाला हूं।
खुदावंद एक ही चीज चाहता है, वो कहता है अपना दिल मुझे दे दो। हालेलुया, खुदावंद कहता है अपना दिल मुझे दे दो। आज वो लोग जो सख्त दिल होकर बैठे हैं, वो लोग जो अपने दिल को मजबूत एज पत्थर करके बैठे हैं कि नहीं हम परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे, खुदावंद कहता है कि मेरे पास आओ मेरी बेटी। खुदावंद कह रहा है माय प्रोडिगल सन, माय प्रोडिगल डॉटर, तुम हाथ उठाते उठाते अपना हाथ नीचे कर लेते हो, तुम मेरे पास आते आते पीछे क्यों हो जाते हो। खुदावंद कहता है कि तुम मेरे करीब आते आते फिर दूर क्यों चले जाते हो। कुछ लोग कहते हैं कि हमें अभी गुनाह में और रहना है, कुछ लोग कहते हैं हमें भी प्रभु के पास नहीं आना कि अभी कुछ और दुनियावी खुशियां बाकी हैं। खुदावंद कहता है कि तुम मेरे पास आओ, तुम उन चीजों के पीछे मत भागो, तुम दो स्वामी की सेवा मत करो, तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे करीब आओ तो मैं तुम्हारे करीब आऊंगा। खुदावंद बुला रहा है, यीशु मसीह बुला रहा है। कितने लोग हैं जो यीशु के पास आना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि वो लोग जो यीशु के पास आना चाहते हैं वो अपने दिलों को आज खुदावंद के आगे कमिट कर दें। आज खुदावंद को बोलें, खुदावंद हम तेरे पास आएंगे, तेरा हूं मैं। हालेलुया, हर रोज हर वक्त रहनुमा तेरी कुदरत, तेरा हूं यीशु मैं तेरा हूं, तेरा हूं यीशु मैं तेरा हूं, तेरा हूं यीशु मैं तेरा हूं। हालेलुया, तेरा हूँ यीशु मैं तेरा हूँ। हाथ उठा के बोले तेरा हूँ, खुदावंद कहता है कि दुनिया के लोग तुम्हें धोखा देंगे लेकिन मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, दुनिया के लोग तुम्हें छोड़ देंगे लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। खुदावंद कहता है कि तुम मुझ पे विश्वास करो, डू नॉट लीन on your own understanding, अपनी अकल पे भरोसा मत करो। खुदावंद कहता है कि everything acknowledge me, मुझको तुम आगे रखो। देखो जब मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, मैं तुम्हारे साथ साथ चलना चाहता हूँ, मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ, मैं अपने हाथ से तुम्हें पकड़ के आगे ले जाना चाहता हूँ। और खुदावंद कहता है कि मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें फिसलने नहीं दूंगा, मैंने तुम्हें डर का रूह नहीं दिया है बल्कि कुदरत का, मोहब्बत का और अकल का रूह दिया है। I've given you a spirit of power, love and a sound mind. खुदावंद कहता है कि मैं तुम्हें ऐसी अकल दूंगा कि दुनिया के लोग हैरान हो जाएंगे। वो लोग जो सालों साल पढ़ाई करते हैं, वो लोग जो सालों साल मेहनत करते हैं और वो किताबों को खा जाते हैं, लेकिन खुदा कहता है कि मेरी अकल बुजुर्ग अकल है, मेरी जो विजडम है वो एंशंट है, और मैं तुम्हें वो वाली अकल दूंगा जिसको लोग सोच भी नहीं कर, जो सोच भी नहीं सकते। खुदावंद कहता है कि मैं तुम्हें ऐसी विजडम दूंगा, आई एम द लॉर्ड दैट टीचेथ यू टू प्रॉफिट, मैं तुम्हें फायदा करना सिखाऊंगा, मैं तुम्हें बरकत के काम करना सिखाऊंगा, मैं तुम्हारे हाथों के कामों को बदल दूंगा। खुदावंद कहता है कि मैं ऐसी युक्तियां तुम्हें सिखाऊंगा कि लोग हैरान हो जाएंगे। हालेलुया, आए हम ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें कि वो एक ही साथ कितनी सारी बरकतें हमें देना चाहता है, वो कितनी सारी अकल की बातें हमें सिखाना चाहता है। हमारे विचार उसके नहीं है, हमारे प्लान उसके नहीं है, हमारी सोच वैसी नहीं है। तो आए जब खुदावंद से कहें कि खुदावंद तू अपनी सोच, अपने प्लान्स हमारे अंदर रिलीज कर दे, ताकि हम आज खुदावंद आज जब इस दिन को शुरू करते हैं, आज इस रात को जो शुरू करते हैं, इस शाम को जो भी इस वक्त वक्त है, इस समय जो भी वक्त है, जिस मुल्क में खुदावंद कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ एक नई वाचा बांधता हूँ, मैं तुम्हारे साथ एक नई प्लानिंग करता हूँ। खुदावंद कहता है कि मुझे पार्टनर्स की ज़रूरत है। खुदावंद ये नहीं कहता कि मुझे कि तुम अकेले काम करो, तुम सिर्फ मुझे काम करते देखो। खुदावंद कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ जोड़ूंगा, मैं तुम्हें अपना पार्टनर बनाना चाहता हूँ, तुम सिर्फ एग्जिस्ट करने वाले नहीं बल्कि रूल करने वाले हो, तुम मेरे साथ रूलर्स हो, यू आर को हेयर्स, तुम मेरे साथ रूल करने वाली बेटी है, मेरी बेटी, यू आर नॉट, तुम एग्जिस्ट करने वाली नहीं है। सिर्फ ये मत कहना कि हो मेरी जिंदगी किसी तरह बीत जाएगी। खुदावंद कहता है कि नहीं, तू सिर्फ दिन काटने के लिए नहीं आई है बल्कि तू शैतान की युक्तियां काट, और तू मेरे नाम से तू सांपों को रौंद दे, और तू बदरूहों को तू रौंद और सांपों को अपने पैरों के तले कुचल दे, क्योंकि देख मैंने तुझे अपनी बेटी ठहराया है, मैंने तुझे अपना बेटा ठहराया है। बोलो यीशु मसीह की जय। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु
यीशु नासरी के, खुदावन हमारे यीशु मसीह के नाम से, हमारे लॉर्ड जीसस क्राइस्ट के नाम से, हमारे खुदावन खुदा के नाम से, यीशु के नाम से हम मांगते हैं खुदावन, तो हमारी दुआओं को सुन रहा है। और इस वक्त एक एक की दुआ को खुदावन तूने अपने लहू से सील कर दिया है, तूने अपने पाक लहू से उसको सील कर दिया है खुदावन। हम वी आर नॉट सुपरस्टिशियस, हम किसी सुपरस्टिशन में चलने वाले नहीं है, ना हम कोई तेल बेचते हैं, ना कोई पानी बेचते हैं, ना कोई सामान बेचते हैं, क्योंकि खुदा का मसा बिकता नहीं है, खुदा का कलाम बिकता नहीं है, खुदा की कोई भी चीज़ फॉर सेल नहीं है, खुदा का घर बिकता नहीं है, और खुदा किसी तरह की कोई ट्रांजैक्शन करने वाला खुदा नहीं है, बल्कि वो हमसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहता है, वो हमसे हमारा दिल चाहता है। खुदावन कहता है मुझे तुमसे सिर्फ तुम्हारा दिल चाहिए, और देखो मैं तुम्हारे दिल में बड़ा काम करूँगा। ओ हालेलुया, खुदावन सच्चा खुदा है। हाय खुदावन, आज हम जहाँ पर इकट्ठा हुए हैं ये तेरे प्यार की जगह है, ये तेरे वचन की जगह है, और हाय खुदावन आज हम तेरे वचन से खुदावन बरकत पा रहे हैं। खुदावन कहता है कि मेरी बेटी और मेरे बेटे, मैं तेरे जीवन में बड़ा काम करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा कलाम काम करेगा, मेरा कलाम हथौड़ा है, मेरा कलाम हथौड़ा है। खुदावन कहता है कि आज टूट जाएंगे बंधन, खुदावन कहता है मेरा कलाम हथौड़ा है, हालेलुया। खुदावन कहता है कि मेरा कलाम आग है, आज जल जाएंगी शैतान की सारी युक्तियाँ, जल जाएंगी वो रस्सियाँ। खुदावन कहता है कि मेरे कलाम से रस्सियां जल जाएंगी। शद्रक मेशक और अबेदनेगो की रस्सियां जली, लेकिन उनके ऊपर जरा सी भी आंच नहीं आई, लेकिन वो रस्सियां जल गई थी। और खुदावन कहता है आज तुम्हारी भी सारी जो रस्सियां जो शैतान ने बांधी और तुमको जो भट्टी में डाला है, खुदावन कहता है मैं भट्टी से निकाल लूंगा। खुदावन कहता है तू भट्टी से निकाल रहा हूं, मैं तुझे मुसीबत जो आज तुझ पे आई है मैं उसमें से तुझे निकालने वाला हूं। खुदावन कहता है यस I am gonna do it today। खुदावन कह रहे हैं कि आप जिस मुसीबत में फंसे हो, मेरी बेटी मेरे बेटे जिस मुसीबत में तू फंसा है, मैं तुझे उसमें से निकालने वाला हूँ। जिस प्लान में तेरे को शैतान ने तेरे को घेर लिया था, शैतान ने तुझे फंसा दिया था, ऐसा लग रहा है कि शैतान ने तुझे पकड़ लिया है। एक बेटे को खुदावन कहता है शैतान ने तुझे पकड़ लिया है, लेकिन देखा मेरा आत्मा आएगा और वो शैतान को तितर बितर कर देगा, वो तेरे दुश्मनों को 60 डायरेक्शन में भागने के लिए बोलेगा। और खुदावन कहता है कि मेरे रूह से होने वाला है, हालेलुया आमीन। खुदावन कहता है कि दरवाजे खोलने वाला मैं हूँ, तुम्हें दुनिया के कोने में पहुँचाने वाला मैं हूँ, लेकिन मैं तुझे वहीं लेके जाऊँगा जहाँ मेरी मर्जी होगी, जहाँ मेरी रजा होगी। खुदावन कहता है कि मैं तुझे बरकत दूंगा, तो अपनी युक्ति मत करना। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, और सब ने कहा आमेन, हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे, जोरदार ताली खुदावन के लिए, आमेन, हालेलुया, आमेन, आमेन। भाई और बहनों, मैं आज ये स्क्रिप्चर पढ़ रहा था, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 6:15, बल्कि मैंने 12 से पढ़ना शुरू किया, हिब्रानी की किताब उसके 12वें छठे बाब में और उसकी 12वीं आयत से, चैप्टर 6:12 में, कि ताकि तुम आलसी ना हो जाओ वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस रहे हैं। आमेन, आमेन। आलसी मत होना, शक मत करना, काम में भी आलसी नहीं, विश्वास में भी आलसी नहीं। सब बोलें, काम में भी आलसी नहीं और विश्वास में भी आलसी नहीं। कई लोग हम कभी विश्वास में आलसी हो जाते हैं। हमारा फेथ ऐसा होता है, आज बहुत अच्छा है, आज बहुत एक मैसेज सुना तो हमारा फेथ एकदम हाई चला जाता है, लेकिन उसके बाद अगली सुबह तक हम भूल जाते हैं। जब सो के उठते हैं तो फेथ हमारा सोया ही रहता है, हम उठ जाते हैं और फेथ नहीं उठता। लेकिन खुदा कहता है तुम विश्वास में तुम आलसी ना हो बल्कि उनका अनुकरण करो, उनको फॉलो करो जिन्होंने विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं को हासिल किया है। ओ हालेलुया, जी हाँ, प्रतिज्ञा होना एक बात है और उसको हासिल कर लेना दूसरी बात है। प्रतिज्ञा हमें मिली है, ये खुदा का कलाम है जिसको मैंने पकड़ा, ये बाइबल है, इसमें प्रतिज्ञाएं हैं, लेकिन खुदावन कहता है कि ये प्रतिज्ञाएं अब हमें हासिल करनी है, ये प्रतिज्ञाएं हमें लेनी है, इन प्रतिज्ञाओं को, इनकी जो प्रॉमिसेस के जो आंसर्स को हमें रिसीव करना है। और खुदावन कहता है कि तुम जरा भी आलसी मत होना, तुम जरा भी कॉम्प्लेसेंट मत होना, तुम जरा भी ढीले मत पड़ना, क्योंकि जो मैंने प्रतिज्ञा की है उसके लिए मुझे तुम्हारी मेहनत की भी जरूरत है, मुझे तुम्हारे भी एफर्ट की जरूरत है। परमेश्वर ने 13वीं आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया तो अपनी ही शपथ खाकर कहा मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा। वाओ, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा, बढ़ाता जाऊंगा,
बढ़ाता जाऊंगा। हालेलुया। खुदावंद कहता है मैं तेरी संतान को, तो उसकी संतान कौन है? अब्राहम की संतान कौन है? आप। हालेलुया। अब्राहम की संतान कौन है? बोलो मैं। हम अब्राहम, इजहाक और याकूब की संतान है, है ना। खुदा ने जकई से क्या था, क्या कहा था कि आज से तू अब्राहम की संतान है, आज से ये अब्राहम की संतान है। और खुदा ने आपको ब्लेस किया है, खुदा ने आपको आशीष दी है। खुदा ने जब अब्राहम को आशीष दी, उसने कहा कि मैं तेरी संतान को बढ़ाऊंगा, मैं विनोद को बढ़ाऊंगा, मैं मान को बढ़ाऊंगा। खुदावंद कहता है कि मैं नवीन को बढ़ाऊंगा, खुदावंद कहता है मैं विजय को बढ़ाऊंगा, खुदावंद कहता है मैं मेघना को और राजेश को, खुदावंद कहता है कि मैं सरीम सोनू को बढ़ाऊंगा, खुदावंद कहता है कि आप बोलो एनोश को बढ़ाऊंगा। आप अपना नाम लेके बोलो कि ये प्रॉमिस मेरे साथ है। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। ओ यस, उसने प्राप्त की, और हमको भी उस प्रतिज्ञा को प्राप्त करना है। अरुण को उस प्रतिज्ञा को प्राप्त करना है, मेरी को उस प्रतिज्ञा को प्राप्त करना है, सेल्विन को उस प्रतिज्ञा को प्राप्त करना है, थैंक यू जीसस, सादिया को उस प्रतिज्ञा को प्राप्त करना है, देवदास को उस प्रतिज्ञा को प्राप्त करना है, रीना मैसी को उस प्रतिज्ञा को प्राप्त करना है, एकता को उस प्रतिज्ञा को प्राप्त करना है। बोलो हालेलुया। सिमोन को, जॉन को इस प्रतिज्ञा को प्राप्त करना है, आमेन। और हम बिल्कुल इस प्रतिज्ञा को छोड़ने वाले नहीं हैं, हम अपने प्रॉमिस को छोड़ने वाले नहीं हैं, हम अपने फलों को छोड़ने वाले नहीं हैं, और हम उसको हासिल करके रहेंगे। और आगे वचन कहता है कि खुदावंद ने, मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं, और उसने हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लाया। उसका उद्देश्य कभी बदल नहीं सकता, इसलिए उसने प्रॉमिस किया, क्योंकि उसका उद्देश्य कभी नहीं बदलता। मनुष्य का उद्देश्य बदल जाता है, मनुष्य की बातें बदल जाती हैं। आप देखें, हम लोगों से जब बात करते हैं तो हम एक मूड में आ जाते हैं, हम एक बहुत अच्छे इमोशनल एटमॉस्फियर में जब आते हैं तो हम बड़ी बड़ी बातें भी कर लेते हैं, हम बहुत बड़े बड़े वादे भी कर देते हैं, लेकिन बाद में फिर हम डिसाइड करते हैं कि शायद ये वादे पूरे करेंगे कि नहीं। इतिश्री, तुम्हारे करियर के लिए खुदावंद ने बरकत दी है, यू आर ब्लेस्ड। मेघना, यू आर ब्लेस्ड। ग्रेस, यू आर ब्लेस्ड। आमेन। सादिया, यू आर ब्लेस्ड। शगुफ्ता, यू आर ब्लेस्ड। आमेन। आई एम टेलिंग यू, आप इस प्रोग्राम को बाई चांस नहीं सुन रहे हैं, खुदावंद आपसे कह रहा है कि मैं सारी प्रतिज्ञाएं तुम्हारे लिए जो मैंने की हैं, तुम अब्राहम की संतान है, 14 में लिखा कि मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा, मैं सचमुच। लेकिन देखिए, जब अब्राहम के साथ प्रतिज्ञा हुई थी तब वो 75 साल का था, लेकिन उसकी प्रतिज्ञा पूरी होने में कुछ समय लगा, उसकी प्रतिज्ञा पूरी होने में काफ़ी समय बल्कि लग गया। और बाइबल हमें बताती है कि वो समय, उस पूरे समय में जब उनके बच्चे नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने भी कुछ ऐसी गलतियां की, शायद उस दरमियान उन्होंने अपने कुछ रॉन्ग डिसीजंस लिए। लेकिन बहुत अच्छी बात जो मुझे न्यू टेस्टमेंट की लगती है, उसमें यह है कि खुदावंद कहता है कि अब मैं तेरी गलतियों को याद भी नहीं करता हूं, मैंने तेरी सारी खताओं को भुला दिया है। हिब्रूज 8:12 में लिखा, अगर हम 8:12 में लिखें, देखें हिब्रानी की किताब 8:12 में साफ साफ लिखा है, अगर आपके पास बाइबल है तो कहता है, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत रहूंगा और उनके पापों को मैं फिर स्मरण नहीं करूंगा। आमेन। और इंग्लिश में लिखा, फॉर आई विल बी मर्सीफुल टू देयर अनराइचियसनेस एंड देयर सिंस एंड देयर इनइक्विटीज विल आई रिमेंबर नो मोर। हालेलुया। खुदावंद कहता है योर इनइक्विटीज I will remember no more. Amen. So we see when we have faith, faith brings freedom. Hallelujah. Faith kya brings? It brings freedom. Therefore, if the Son shall set you free, you are free. Amen. आज मैं आजाद हूं, मेरे सारे गुनाह माफ हो गए। अपने आप को कंडेम मत करें, अपने आप को आप वो मत करें कि बुरा मत कहें कि मेरी पुरानी जिंदगी ऐसी थी, मेरे पुराने काम ऐसे थे। लेकिन खुदावंद कहता है कि आप ये झूठे गिल्ट में मत फंसो। खुदावंद कहता है कि तुम बुरे रास्तों से मत फंसो, क्योंकि तुम अननेसेसरली सफर कर रहे हो, तुम बिना बात के परेशान होते हो, तुम रात रात सोचते हो कि शायद मेरे इस पाप की वजह से मेरी बरकत नहीं आ रही है, शायद मेरे इस गुनाह की वजह से मेरी बरकत नहीं आ रही है। लेकिन खुदावंद कहता है कि मैंने तुम्हारे गुनाहों को भुला दिया है, मैंने तुम्हारे गुनाहों को
पूरी तरह से कैंसिल कर दिया है, पूरब से जितनी दूर पश्चिम है उतनी दूर मैंने तुम्हारे गुनाहों को तुमसे कर दिया है। इसलिए खुदावंद कहता है कि डू नॉट बी इन बॉन्डेज अगेन, जिसको मैंने आजाद कर दिया है वो आजाद है, जिसको मैंने रिलीज कर दिया है वो रिलीज है, जिसको मैंने ब्लेस कर दिया है वो ब्लेस्ड है। आमेन। तो अब क्या है, अब हमें एक्शन लेना है। आमेन। जब हमें फ्रीडम है, अब हम फ्री होके क्या करें, अब हम एक्शन लेंगे। सब बोलो एक्शन लेंगे। एवरीबॉडी से एक्शन, बिकॉज वी आर नॉट जस्ट हियरर्स ऑफ द वर्ड बट वी आर डूअर्स ऑफ द वर्ड। याकूब की किताब 1:22 में लिखा है कि हम की वचन के सुनने वाले नहीं बल्कि वचन पे चलने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ वचन सुनना किसी काम का नहीं, लेकिन जब हम वचन पे चलते हैं तो फिर उसके साथ फिर हम एक्शन लेते हैं कि खुदावन, जैसे साम 1 में लिखा है कि मुबारक है आदमी जो पाप के रास्ते पे नहीं चलता और दिन रात वो परमेश्वर के वचन पे मेडिटेट करता है। मेडिटेट करने का मतलब ये नहीं कि उसको याद कर रहा है, मेडिटेट करने का मतलब नहीं कि उसको रट रहा है, मेडिटेट का मतलब ये नहीं कि उसको अच्छी तरह से उसने हिफ्ज कर लिया और दूसरों को सुनाने के लिए, बल्कि जब वो मेडिटेट करता है तो उसको खाता है, वो उसको अपने अंदर लेता है, वो उसके जिस्म का हिस्सा बनता है, वो कलाम उसकी जिंदगी का हिस्सा बनता है, फिर कलाम के मुताबिक वो चलने लगता है। यस विजय, वी बिकम डूअर्स ऑफ द वर्ड। यस किजू, वी बिकम डूअर्स ऑफ द वर्ड। और हम क्या करते हैं, काम के करने वाले थे, बिकॉज बाइबल में यह भी लिखा कि फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड। इसलिए हमको काम करना है। और हाँ, हम फ्री हो गए हैं, हालेलुया। हम फ्री किस लिए हो गए हैं, ताकि हम ईमान पे चल सकें। आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू, आपका फल आने वाला है। यस, क्यों, खुदावंद आपको कुछ सिखा रहा है। आपके फल आने का वक्त आ गया है, आपकी विजय का वक्त आ गया है, आपकी विक्ट्री का वक्त आ गया है। तो जब ईमान आता है, जब एक्शन आता है, तो हमको इनसाइट आती है, अब हमको अकल आ गई है। आमेन। क्योंकि हमको खुदा ने अकल का आत्मा दिया है, खुदा ने हमें विजडम का आत्मा दिया है। पहले जो हम मेरे डिसीजंस होते थे, जनरली जब मैं खुदा को नहीं जानता था, मैं कुछ वेग से डिसीजंस ले लेता था, मैं कुछ भी कर लेता था, मुझे समझ नहीं आता था। अनुपमा वेलकम, यस गॉड ब्लेस यू। और उस समय मुझे मालूम, रेखा वेलकम, गॉड ब्लेस यू। मिरियम, गॉड ब्लेस यू। यस, खुदा ने अब हमें अकल दी है। एवरीबॉडी कन्फेस फ्रॉम योर ओन माउथ, खुदा, गॉड हैज गिवन मी गॉड हिज विजडम, ही इज गिविंग मी हिज विजडम। आमेन। कि मुबारक है वो आदमी जो पाप के रास्ते पे नहीं चलता है। अविनाश औचित है, यस थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अविनाश। एंड उर्वी, हाउ आर यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। शिमोन, प्रवीण धनवान, यस प्रवीण आप धनवान हैं, क्योंकि खुदा ने आपको आसमानी धन से भर दिया है। अमीर रफीक, यस आप सबको खुदावंद कहता है कि इसलिए खुदा ने कहा कि अगर तुम्हारे में अक्ल की कमी है तो मुझसे मांगो तो मैं तुम्हें अक्ल दूंगा। जेम्स 1:5 में, याकूब की किताब 1:5 में लिखा कि इफ एनी वन ऑफ यू लैक विजडम लेट हिम आस्क ऑफ गॉड एंड इट शैल बी गिवन हिम। यस, खुदावंद हमें अक्ल देगा। तो पहली चीज जो है, हम ये कहते हैं कि खुदावंद, हम अब्राहम की संतान हैं और अब हम ब्लेस होंगे और खुदावंद ने हमारे सारे गुनाह जो है वो माफ कर दिए हैं, इसलिए अब हम फ्री हैं, अब हम फ्री हैं, अब हम एक्शन में आ गए। ऑल बिलीवर्स जो इस वक्त सुन रहे हैं, आप एक्शन में आ गए। यस, जेम्स 1:5, हम एक्शन में आ गए हैं, अब हम जो है पीछे हटने वाले नहीं हैं। मैं हमने क्या पढ़ा था यहां पर, हम देखते हैं कि मैंने 6 में क्या पढ़ा था, तुम आलसी ना हो। यस, कोई भी आलसी नहीं होगा, कोई भी आलसी नहीं होगा। अपने प्लान कर लो कल से अपना दिन, आज से अपने दिन प्लान कर लो। यस, वी आर फ्री इन क्राइस्ट एंड वी आर एक्टिव इन क्राइस्ट। और खुदावंद कहता है कि तुम मुझसे अकल मांगो तो मैं तुम्हें अकल दूंगा। और खुदावंद कहता है कि इस बीच में एक ऐसा भी मकाम आएगा, एक ऐसा भी टाइम आएगा जब शैतान तुम्हें बोलेगा कुछ नहीं होने वाला। मिशेल जलाल, नरेश मनाला, शैतान बोलेगा कि कुछ नहीं होने वाला, उस समय आपको पता है क्या कहना है, आई ट्रस्ट इन द लॉर्ड। यस, आई ट्रस्ट। रिया, रूथ, जॉन, प्रवीण, जेकब, क्राइस्ट, गौरी। और मैं आपको बता दूं, ये जो रिकॉर्डिंग है जो इस समय हो रही है, ये जो ब्रॉडकास्ट है, ये यूट्यूब पे भी आ जाएगा, तो आज को आप बाद में यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, फेसबुक पे भी ये रहने वाला है। अब हम एक्टिव हो गए हैं और अब हमें ट्रस्ट है। साम 37:40 में लिखा है, एंड द लॉर्ड शैल हेल्प देम एंड डिलीवर देम बिकॉज दे ट्रस्ट इन हिम। यस, आई ट्रस्ट इन हिम। थोड़ा सा टाइम लग रहा है बट आई ट्रस्ट इन हिम। थोड़ी सी आजमाइश आ रही है बट आई ट्रस्ट इन द लॉर्ड। थोड़ी सी तकलीफ है लेकिन आई ट्रस्ट इन द लॉर्ड। यस, अभी कुछ काम बाकी है, कुछ चीज़ें टाइम ले रही हैं। यू नो, जो ईमान लाते हैं ना, उनके लिए कुछ चीज़ें टाइम लेती हैं, कुछ चीज़ों में वक्त ज़्यादा लग जाता है। दुनिया के लोगों के काम बहुत जल्दी बनते हैं लेकिन खुदा के लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है। क्यों? क्योंकि खुदावंद हमको सिर्फ ऐसा ही नहीं देता बल्कि उस जगह को परिपक्व करता है,
वो हमारे हमको सोना बना के फिर हमें ब्लेस करता है। वो हमें ऐसे ही कहते हैं ना कि सस्ते मेटल से हमारे गहने नहीं बनाता है, वो हमको पहले सोना बनाता है, फिर उस सोने को वो अच्छी तरह से गढ़ता है और अच्छी तरह से उसका एक खूबसूरत गहना बनाता है। तो आप समझे कि सिर्फ हम देखने में नहीं अच्छे हैं बल्कि हम वैल्यू में भी अच्छे हैं। आमीन, बोलो, देखने में नहीं बल्कि वैल्यू में भी, हमारी वैल्यू भी होगी। दुनिया की जो बरकतें होती हैं वो सिर्फ देखने में अच्छी हैं। अरे देखो उसका तो ये काम हो गया, उसके साथ ऐसा हो गया, इनका बड़ा जल्दी हो जाता है, हमें क्यों टाइम लगता है? लोगों का तो बहुत जल्दी हो जाता है, लोगों की ब्लेसिंग तो बहुत जल्दी आ जाती है, हमें क्यों टाइम लगता है? हमें इसलिए टाइम लगता है क्योंकि हम सोना बन रहे हैं। हमें इसलिए वक्त लगता है कि हमको रिफाइन किया जा रहा है। रिफाइनर अपनी आग लेके हमें रिफाइन कर रहा है, ऐसे हमें वो रिफाइन कर रहा है। लेकिन आप देखें कि रिफाइनर जब रिफाइन करता है तो उसके हाथ में आग भी है और दूसरे हाथ में हम हैं, लेकिन वो हमें जलने से पहले ही हटा लेगा। लेकिन फिर वो हमें फिर वो देखता कि मैं जल ना जाऊं। क्या होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा आनंद। आमीन। तो रिफाइनर के हाथ में आग है और इधर हम हैं, ये समझिए कि ये रिमोट है, ये हम है और ये आग है। किस सीमा के बाहर परीक्षा न होगी, यीशु की मर्जी से हर बात होगी। वो हमें जलने नहीं देगा। तो इसलिए हम ट्रस्ट करते हैं, हम विश्वास करते हैं, और हम ये जानते हैं कि हमारा जो विश्वास है वो ट्रस्ट पैदा करता है। हमारा विश्वास जो है वो हम खुदा के अंदर पूरी तरह से कॉन्फिडेंस हमारे अंदर पैदा करता है। और आज मैं चाहता हूँ कि खुदावन के अंदर हम इतना विश्वास करें, इतना ट्रस्ट करें, फिर हम जानते हैं एंड में उसने हमारे लिए स्वर्गीय जगहें रखी हैं। हालेलुया, स्वर्गीय आशीषें रखी हैं। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल मेला, उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा। हालेलुया, उतरा उतरा उतरा। यस देवदास, आई ट्रस्ट जीसस, आई ट्रस्ट द लॉर्ड। सब बोलो आई ट्रस्ट गॉड। शहजाद बोलो आई ट्रस्ट द लॉर्ड। शबाना बोलो आई ट्रस्ट द लॉर्ड। क्योंकि खुदावंद कहता है अब आलसी मत हो जाना, मेरी बेटी पीछे मत हट जाना, तुम पीछे मत हो जाना, क्योंकि मैं तुम्हें बरकत देने वाला हूँ। तुम ये मत सोचो कि मेरे साथ नहीं होगा, तुम्हारे साथ ही अच्छा होगा, तुम्हारे साथ सबसे अच्छा होगा, क्योंकि मैं तुम्हें चमका के सोना बना के ब्लेस करने वाला हूँ। अगर इस समय आज आपकी कोई भी प्रार्थना निवेदन है, आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को अपने आप चाहे यहाँ लिखें या अपने दिल में रखें, और इस वक्त मैं सबके लिए प्रेयर करता हूँ। आए हम साथ साथ प्रार्थना करें। कि आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल मेला, उतरा 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 कहता है कि मैं तुझे आसमानी रोटी खिलाऊंगा मेरे बेटे, मैं तुझको अंदर तक भर दूंगा, अंदर तक फिल कर दूंगा। आसमानी रोटी मुझको खिला दे। आमीन, आमीन। आज बहुत सारे लोग किसी मुल्क में बैठे हैं, वहां बहुत सारी चैलेंजेस से जूझ रहे हैं। एक ऐसी मां है जो अपनी बेटी के लिए लड़ रही है। खुदावंद कहता है कि मैं तुझे विजय देने वाला हूं। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, खुदावंद कहता है कि मैं तुम्हें विजय देने जा रहा हूं, मैं तुम्हें ब्लेस करने वाला हूं, और तुम ऐसी जगह पर जाकर बैठोगे कि तुम हैरान हो जाओगे। एक ऐसा भाई है जो बहुत बीमार है और उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है, लेकिन खुदावंद कहता है कि तेरे पैसों का और तेरे इलाज का और तेरी शिफा का सारा काम मैंने क्रूस पे कर दिया है। It is finished. It is done.
आसमानी रोटी मुझको खिला दे। ओ हालेलुया, यस रमेश, तुम एक नौजवान हो। खुदावंद कहता है कि मैं तुमको पीछे नहीं जाने दूंगा, तुम कभी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, मैं तुम्हें अपने पाख रूह से रास्ता दिखाऊंगा। आमीन। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, भरपूर करके रजा, भरपूर करके रजा। उतरा 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 वे रूह पा, उतरा 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 ए रूह पा उतरा। जो बीमार है, जो दुखी है, जो परेशान है, जो टूटे हुए, यीशु कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हालेलुया। खुदावन कहता है एक्शन में आ जाओ, आओ हम मिलके, एक साथ मिलके मेरे पार्टनर बन जाओ, और हम शैतान को शर्मिंदा करेंगे, और तुम अपने मेरे नाम से तुम शैतान को रौंद दोगे, मेरे नाम से तुम सांपों को और बिच्छियों को अपने पैरों तले रौंद दोगे। खुदावन कहता है कि मैंने तुम्हें ये अधिकार दिया है, मैं तुम्हें रूहानी कपड़े पहनाने जा रहा हूं, मैं तुम्हें उन अस्त्र शस्त्रों से लैस करने जा रहा हूं, ताकि उन स्पिरिचुअल वेपन से तुम शैतान को हरा दो। आसमानी कपड़े मुझको पहना दे, आसमानी कपड़े मुझको पहना दे, लड़ना शैतान से मुझको सिखा दे, मौत पे पाऊं मैं फतह, मौत पे पाऊं मैं फतह। उतरा 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 ए रूह पा उतरा। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं कि आज तूने अपने लोगों को छू लिया है। खुदावन यीशु, तेरे नाम से मैं तेरी बरकतें रिलीज करता हूँ, तेरे नाम से खुदावन में तेरी बरकत को, अब्राहम की सारी आशीषें आए खुदावन, जैसे तो आज तूने वादा किया कि अब्राहम ने जैसे धीरज धरा और उसने सारी प्रतिज्ञाओं को प्राप्त किया, आज खुदावन वही प्रतिज्ञा मैं दोबारा दोहराता हूँ। एक एक भाई बहन जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो इस प्रोग्राम के साथ इस समय अपने कान और अपनी आंखों से और अपने दिल से इसको रिसीव कर रहे हैं, खुदावन कहता कि मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा। आमीन। खुदावन कहता है कि आई विल मेक यू अ ग्रेट नेशन, मैं तुझसे बड़ी कौम बनाऊंगा, मैं तुझसे बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा, और मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तेरा नाम महान करूंगा। खुदावन कहता है कि तेरा नाम छोटा नहीं रह जाएगा, तू कोई ऑर्डिनरी सा एकदम कहीं साइड में पड़ा हुआ नहीं रह जाएगा, बल्कि मैं तुझे सरफराज करूंगा। आई विल मेक योर नेम ग्रेट, और मैं तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा। आई विल मेक यू अ ब्लेसिंग, तू लोगों के लिए बरकत का कारण होगा, तू लोगों के लिए एक वसीला होगा बरकत का। और खुदावन कहता है जो तुझे आशीष देगा उसको मैं आशीष दूंगा, जो तुझे ब्लेस करेगा उसको मैं ब्लेस करूंगा, जो तुझे कोसेगा खुदावन कहता है कि उससे मैं डील करूंगा। तुझे लड़ने की जरूरत नहीं है, लड़ाई तेरी नहीं है, लेकिन विजय तेरी होगी। और खुदावन कहता है कि तेरे वसीले से, थ्रू यू द नेशंस ऑफ दिस अर्थ शैल बी ब्लेस्ड, तेरी वजह से सारी दुनिया की कौमें बरकत पाएंगी। और खुदावन कहता है कि तू ब्लेस्ड है, तू ब्लेस्ड है। आज खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने लोगों को इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है, तूने अपने लोगों को इतनी बड़ी आशीष दी है। इस समय जो बीमार है वो अपने जिस्म के उस अंग पे हाथ ना रखे, बल्कि अपना हाथ यीशु की तरफ बढ़ाए। बीमारी को मत सोचो, यीशु की तरफ हाथ बढ़ाओ, और देखो कि यीशु इसी वक्त आपकी उस बीमारी को छू रहा है, यीशु का लहू उसको साफ कर रहा है। सर की बीमारियां, दिमाग की कोई ब्रेन से रिलेटेड बीमारियां, आंखों से रिलेटेड, माथे से रिलेटेड, पीछे बैक से रिलेटेड, कान से रिलेटेड, गले से, नाक से, मुंह से, जबड़ों से, दांतों से,
खुदावंद कहता है कि मैं तुम्हारे एक एक ये वर्शिप करने वाले चेहरे को, इस वर्शिप करने वाले मुंह को मैं अपना चेहरा तुम पे चमकाऊंगा, और तुम्हारे इस सूरत के ऊपर, तुम्हारे इस मुख के ऊपर खुदावंद कहता है कि मैं अपना नूर चमकाऊंगा, और उस नूर वाले चेहरे में कोई बीमारी नहीं होगी। तुम्हारे गले पे खुदावंद कहता है, तुम्हारे कंधों से, तुम्हारी छाती पर, तुम्हारे पेट में खुदावंद कहता है, तुम्हारे बाजुओं में और तुम्हारे हाथों में मेरी शिफा, खुदावंद कह रहा है कि इसी वक्त मेरी शिफा जारी हो चुकी है, कलवरी के क्रूस से शिफा जारी हो चुकी है, इट इज़ फिनिश्ड, और मेरे कोड़े खाने से तुम्हें शिफा मिल चुकी है। खुदावंद कह रहा है तुम्हारे घुटनों की, तुम्हारे पाँव की, तुम्हारी उंगलियों की, तुम्हारे बैक की, खुदावंद कह रहा है जहाँ जहाँ हमारा बेटा अनिकेत जो इस समय हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में जितने मसीही और हमारे खुदावंद के जो लोग हैं और जितने लोग सफ़र कर रहे हैं, हम हॉस्पिटल में पड़े हुए एक एक बच्चे के लिए, एक एक बड़े के लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद आज आप हॉस्पिटल्स में बहुत बड़ी अद्भुत रीति से काम करें। जितने बीमार हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, नॉन क्रिश्चियंस हैं, किसी भी कौम से आते हैं, खुदावंद आज आपका रून से बात करें, खुदावंद आज आप वहाँ पहुँचें जहाँ हम नहीं पहुँच सकते हैं, खुदावंद आप जाएं, और आज खुदावंद आज बड़ी अद्भुत रीति से खुदावंद तेरे लोग वहाँ पहुँच जाएंगे, तेरे एंजल्स वहाँ पहुँच जाएंगे, और हज़ारों लाखों को खुदावंद तो इंडिया में हीलिंग दे खुदावंद, हज़ारों लाखों को आज तो दुनिया भर में हीलिंग दे खुदावंद, हज़ारों लाखों को खुदावंद हर कॉन्टिनेंट पर जहाँ जहाँ लोग बैठे हैं, न्यूजीलैंड से लेके, फिजी से लेके खुदावंद, अमेरिका से, जापान से खुदावंद, अलग अलग जगहों पर खुदावंद तेरा रूह जो है आज जाए और बहुत सारे लोगों से बात करें। आज रात बहुत सारे लोगों को नजात मिले, आज रात बहुत सारे लोगों को शिफा मिले, और आज बहुत सारे लोगों को ज़िंदगी मिले। आए खुदावंद हम उन लोगों के लिए भी अमेरिका के अंदर जो क्राइसिस चल रहा है उसको हम आपके हाथों में सौंपते हैं, खुदावंद अमेरिका को आप छू लें, वहाँ पर खुदावंद आप अक्ल का आत्मा दें, और वहाँ के प्रेसिडेंट और वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ के लोगों को खुदावंद आप शांति दें, और कल से खुदावंद एक नया काम वहाँ शुरू। हम जानते हैं कि खुदावंद आप एक अद्भुत युक्ति चलाए हुए हैं जिसको हम नहीं समझ सकते हैं। अगर वहाँ पर आज कोई टर्मोइल है खुदावंद तो हमको लगता है, लेकिन आप सिंहासन पर बैठे हुए जानते हैं कि ये किस तरफ जा रहा है, इसलिए हम निश्चिंत हैं, हम ट्रस्ट करते हैं कि खुदा हर चीज़ के ऊपर अपने हाथ को रखा है, और हम ये जानते हैं कि इस वक्त प्रभु सिंहासन पर बैठा है और कोई भी चीज़ उसकी मर्जी के बिना नहीं हो रही है। इसलिए खुदावंद हम शुक्र करते हैं, हर मुल्क में, हर शहर में, हर घर में आपका मसा आए, हर जगह पर खुदावंद आप अपने राज्य को लाएं, तेरा राज आए, ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में होती है वैसी जमीन पर भी हो, हमारी रोज की रोटी तो आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने गुनहगारों को माफ किया खुदावंद तू भी हमारे पाप हमें क्षमा कर, हमें परीक्षा में न ला, हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। Amen, Amen, Amen. God bless you, my brother. God bless you, my sister. और ये मैंने जैसे कहा था कि ये मैसेज आपको YouTube पे भी मिल जाएगा, Facebook पे भी मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इसको मैसेज को भेजें ताकि लोगों को बरकत मिले। आप चाहें तो YouTube को आप सब्सक्राइब भी कर दें, है ना, फ्री है, और ज़िंदगी फॉरएवर रेडियो भी फ्री है, अगर आप अपने Android पे या आप अपने Apple पे लेना चाहते हैं तो इट इज़ अ फ्री थिंग। और मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ कि खुदावंद फ्री में बहुत सारी चीज़ें देता है, और हमें उन बरकतों को लेना है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण होती हैं, और फ्रीली वी हैव रिसीव्ड एंड फ्रीली वी शैल गिव, और हम आगे बढ़ें, आप भी लोगों को ब्लेस करें, और आज से आपके जीवन का एक नया सफ़र शुरू। यू आर इन एक्शन, यस यू आर इन एक्शन, पीछे नहीं हटना है, ट्रस्ट करना है, और आसमान की बादशाही के हम वारिस हैं, उसके हम बेटे और बेटियाँ हैं। God bless you. यीशु मसीह की जय।